तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इसी सूतली मम को बनाना सिखाऊंगा, वो भी मात्र 2 रुपए में, और इसे आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग वीडियो के लास्ट में होगी, तो चलो यार इसे फटाफट से पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए आपको सिंपली से पहले एक पेपर चाहिए होगा, और फ्रेंड्स आपको एक रुपए वाली माचिस चाहिए होगी, जिसका मसाला मैं इस पेपर में कुछ इस तरीके से गिराऊंगा प्लायर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार इसकी आवाज़ सुन के मतलब हैरान हो जाओगे आप। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से इसमें मतलब ये मसाला सब निकाल ले रहा हूँ। आप फ्रेंड्स प्लायर का यूज़ करना तो बड़े आसान तरीके से ये मसाला सब निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी 1 रुपए वाली माचिस मतलब खाली कर दी, पूरा मसाला इसमें निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने एक और डिब्बी भी बना रखी है, मतलब ये छोटी सी डिब्बी मैंने बना रखी है, आप इसे घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसी माचिस से इस डिब्बी को बनाया है। तो फ्रेंड्स इस डिब्बी में मतलब ये बेस है एक हिसाब का, इसमें मैं सारा मसाला भर दूँगा ताकि ये बिखरे ना, और हमारे ऊन बम को ये स्क्वायर शेप भी देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी तक अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करना, और यार सब्सक्राइब करके जाओगे अगर आप मतलब पटाखे की आवाज़ सुन ली एक बार तो। मैं पक्का पक्का कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि मतलब यार 2 रुपए में आप 15-20 रुपए खर्च करते हैं तो मतलब ये सूतली बम मिलता है, और उसके मुकाबले में सेम उतनी आवाज़ ये देगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने डिब्बी में मसाला भर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको एक फ्यूज़ चाहिए होगा, मतलब जो मार्केट से आपको 1-2 रुपए में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कोई खर्चा ही नहीं, मतलब 2 रुपए में आपका पटाखा बन जाएगा। वैसे आप 25-30 रुपए में ले मतलब मार्केट से खरीदते लाओगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मतलब कुछ इस तरीके से आपको रख लेना होगा। तो फ्रेंड्स यार आप अगर आपको ये फ्यूज़ नहीं बनाना आता तो मतलब मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। वैसे आप मार्केट से परचेस करेंगे तो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं डिब्बी को बंद कर दूंगा, तो मतलब अब ये पैक हो गया है हिसाब का। तो फ्रेंड्स मैं इस एक्स्ट्रा फ्यूज़ को कट कर लूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं एक टेप भी लगा दूंगा, मतलब ताकि हमारा जो बारूद है वो कहीं बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स ये बड़ी वाली टेप भी मैं इसमें लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मतलब मैंने पूरी लगा दी इसमें टेप। तो फ्रेंड्स कुछ आपको भी इसी तरीके से लगा देनी होगी ये टेप। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी ये मतलब कोई भी मसाला बाहर निकल ही नहीं पाएगा, मतलब कहीं से जगह ही नहीं बची है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको एक थ्रेड भी लपेट लेना होगा, ताकि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। जितनी ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ही तेज़ आवाज़ करेगा, क्योंकि प्रेशर उतना ही तेज़ बनेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इतनी थ्रेड इसमें लपेट दी, आप ज़्यादा भी लपेट सकते हैं, मतलब इतनी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स इसे मैं फेविक्विक की हेल्प से मतलब चिपका दूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी सूतली को मतलब ऊपर लपेटना चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे कुछ इस तरीके से मैं फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पर मतलब ज्वाइंट कर दे रहा हूँ, ताकि ये खिंचे ना। तो फ्रेंड्स मैं इसे फटाफट से यार मतलब इसके ऊपर लपेट दे रहा हूँ। यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो मतलब लाइक ज़रूर करके जाना, और फ्रेंड्स नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि और मतलब धमाकेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स इसे मैं पूरा मतलब लपेट दूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे मार्केट में सूतली बम मार्केट में आपको मिलता है, तो उसी तरीके से मैं इसमें लपेट लूँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मतलब अब हमारा सूतली बम बनके तैयार हो चुका है, तो मैं यहाँ भी फेविक्विक लगा के इसे चिपका दूंगा, तो ताकि मतलब ये बढ़िया से चिपका रहे और मतलब बढ़िया से मजबूती बनी रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा सूतली बम बिल्कुल बनके रेडी है। तो यार इसकी टेस्टिंग कर लेना, अगर टेस्टिंग बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फ्रेंड्स चलो यार इसकी टेस्टिंग कर ले रहे हैं।